दर्शक बंधु, रूस एवं यूक्रेन संघर्ष, चीन एवं अमेरिकार मुहांमुही अवस्था, ताइवान को नहीं जो भली भावरे एबे अमेरिका रणनीति प्रस्तुत करुची एवं चीन उद्वेग रे आसी अनेक प्रकार एमिति प्रतिक्रिया जाहिर करिची। फल मोटामोटी कहवाकू गले दक्षिण एशिया एक रकम अशांत अवस्था रे गति करुची। यारी भितरे बांग्लादेश रे एमिति एक खबर आसी पहुंची जो थिरे बांग्लादेश सरकार मध्य चिंतित एवं एमिति कहा जाऊ बांग्लादेश जो प्रशासन घटना रही बा सरकार जो प्रशासनिक कारबार रही एहा उपरे एक हुकुम चलेला भली अमेरिकार एक बयान आसी। अमेरिका एमिति एक नीति निष्पत्ति नहीं जो थिरे बांग्लादेश मध्य एक गभीर उद्वेग दे गति करुची। अर्थात सीधासलख जदि कहगले अमेरिका बांग्लादेश को धमकैबा आरंभ करिछि। ए प्रसंग कौन? यह एक विचित्र प्रसंग एइथिपाई जे मोटामोटी जदि आमे बांग्लादेश रणनीति को देखिबा ताहाले एहार सरकार को मध्यरे जो दृष्टिकोण विभेद रहिछि एहाकु नै अमेरिका जो भली भावरे बांग्लादेश निर्वाचन को नै एबे नीति निष्पत्ति नैछि एवं गोटिए पटरे भारत बांग्लादेश को साहाय्य करिपारिबो कि नाही ए नै मध्य भारत प्रति एक आह्वान सृष्टि होइछि। केमिति ओ काहेकि ए बाबद रे जेतेबेले आमे ए घटना को देखिबा ताहाले प्रथमे तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जहा कि भारतर जेमिति वैदेशिक मंत्री रहिचंती डॉक्टर एस जयशंकर सेमिति एंटोनी ब्लिंकन कर एक ट्वीट पहुंची जोथिरे खोलाखोली भावरे से कहिचंती कि बांग्लादेश सरकार प्रशासनिक अधिकारी हुंतु, न्यायिक अधिकारी हुंतु, बा सरकार सदस्य हुंतु, बा विपक्षर सदस्य हुंतु, बा सेमानंकर परिवार सदस्य हुंतु, जे कहि भी बांग्लादेश आगामी निर्वाचन रे बाधा उपजेवा पई चेष्टा करिवो एही निर्वाचन को सुरुखुर रे एवं स्पष्ट भाव रे बहुमत जेमिति मिलिवो ए नै एकदम एक सुस्त निर्वाचन हवा प्रक्रिया रे बाधा सृष्टि करिवो एहाकू अमेरिका वीजा दबो नाही, अर्थात अमेरिका जीवा पई अनुमति मिलिवो नाही। अमेरिका एबे एमिति करिवा पछरे कारण कोन होईची ताहा मध्य एक आलोचनार विषय, किंतु मोटामोटी भाव रे बांग्लादेश पई अमेरिका एबे निजर वीजा निष्पत्ति रे परिवर्तन आनिबा बांग्लादेश सरकार को चमके देछि। एपरिकी जदि अभियोग व्याप्त हुए एवं बांग्लादेश रे आसुवा आगामी निर्वाचन रे वर्तमान रे प्रधानमंत्री शेख हसीना विरुद्ध रे मध्य जदि कथा उठे ताहले संभवतः तांकर मध्य अमेरिका जीवा वीजा कैंसल करा जीवा अमेरिका द्वारा। तबे एमिति काहेकि प्रथमे आसीबा बांग्लादेश रो निर्वाचन परिप्रेक्षी रे वर्तमान रे जे बांग्लादेश रो प्रधानमंत्री अछंती से होचंती शेख हसीना। 2009 ରୁ 2023 रीतिमत 3 ଥର से प्रधानमंत्री हबार सौभाग्य प्राप्त करिसंती एवं तांकर जे विपक्ष दल तार मुख्य हेले खालिदा जिया। किंतु भारत दृष्टिकोण रे दुई जन को जदि आमे देखिबा ताहले खालिदा जिया को आमे प्रो चाइना हिसाब रे गणना करिबा, कारण खालिदा जिया भारत सह एते संपर्क नहीं बरं चीन सह से विशेष संपर्क रखिबा पई आग्रही। एथि पूर्वरु खालिदा जिया जो भली राजनैतिक दृष्टिकोण रही अनेक बार यह उपलब्धि करा जाइछि कि खालिदा जिया भारत अपेक्षा चीन को बेसी पसंद करती, किंतु शेख हसीना भारत सह सबुबले संपर्क रही आछथि। एपरिकी भारतर लेनदेन कारबार ठू आरंभ करी भारतर अनेक समस्यार समाधान दिगरे मध्य शेख हसीना कार्य करिसंती, जेमिति सीमार हेउथवा आतंकवाद को दमन करिबा एवं भारतर समस्या को हृदयंगम करने भली घटना मध्य शेख हसीना करिसंती। एपरिकी भारत गस्त मध्य करिसंती, एठारे सरकार के सह विभिन्न प्रकार आलोचना मध्य जारी रखिसंती। मोटामोटी भारत सह शेख हसीना भल संपर्क रही, एणु भारत दृष्टिकोण तो भारत यह चाहिए कि आगामी निर्वाचन में भी शेख हसीना सरकार हासू, किंतु हठात अमेरिका भितर पशिबार कारण कौन? मोटामोटी भाव में यह दुई प्रकार कथारे देखा जाऊ। एक तो गणतंत्रर पिता बोली निजको सब्यस्त करिबारे अमेरिका लागी पड़ी, एवं यही डेमोक्रेसी को नहीं निकट अतीत एक विराट बैठक मध्य अमेरिकार अनुष्ठित होता एवं गणतंत्र मूल्य जे अमेरिका केवल बुझी अगर कहीं बुझी ना एभली किसी प्रक्रियाकरण सारा विश्व में देखापी अमेरिका चेष्टा कर भाव जो खालिदा जिया पार्टी रही बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जी कि वर्तमान सरकार विपक्ष दल एमाने लगातार शेख हसीना विरुद्ध गोटे ही जो विपक्ष कथा कहती बा विरोध करी कहती कि शेख हसीना केतेबेले भी निर्वाचन को एक सुस्थ निर्वाचन रे परिणत करती नहीं एपरिकी जबरदस्ती जेनतेन प्रकार सब प्रकार कूटनीति प्रयोग करी से निर्वाचन जीति था। वर्तमान जो तृतीय निर्वाचन होता 2018 मसीहा डिसेम्बर मसरे निर्वाचन होता आमर जमी लोकसभा रही सेमती बांग्लादेशर जजिया संसद रही थाए जो प्राय 350 सीट रही थाए। भारत लोकसभा 545 सीट बांग्लादेश 350 सीट एवं आवामी लीग जार मुख्य शेख हसीना जी प्रधानमंत्री अछंती तांकर दल राजनैतिक दल प्राय 304 सीट अख्तियार करी भारी बहुमत रे सरकार चलाउछंती एवं एहाकु विरोध करी 2018 निर्वाचन रे खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यही निर्वाचन रु ओहरी जाइथिले बा बॉयकॉट करते तांकर कहया कथा हला जेकोसी निर्वाचन रे ही यही सरकार जेमिति भी साम दाम दंड भेद प्रयोग करके सरकार गठन करती तेणु एठी विपक्षर किछि मूल्य नाही। एपरिकी वर्तमान शेख हसीना उपरे विपक्ष उपरे अत्याचार करबा तांको जेल रे पुरेबा तांको सब प्रकार घटना रे छंदी देवा अनुमति न देवा एभली अनेक गुड़िए विपक्ष को दबेवार कार्य शेख हसीना करुचंती बोली मध्य एक गंभीर आरोप खालिदा जिया राजनैतिक दल तरफ लग जाए एवं यही निर्वाचन जहाँ 2024 बांग्लादेश रे हम यही आउ बॉयकॉट नकरी एथर खालिदा जिया दल जबरदस्ती शेख हसीना दल सह लड़ापी निजक प्रस्तुत कर सारा यही हिसाब से बांग्लादेश रे लगातार एवं सरकार विरोध प्रदर्शन आरंभ हो जाइए एवं सबुठु बड़ कथा हला जे बांग्लादेश रे शेख हसीना जो भाव में वर्तमान अन्य समस्या को सामना करमिति कि बेरोजगारी बढ़ी महंगा बढ़ी बांग्लादेश रे गभीर मात्रा रे शक्ति संकट रही रप्तानी ठीक रे हो पारुना बांग्लादेश जो कंचा तेल और रिफाइनरी तेल बांग्लादेश को मगई थिला सेमानकु प्राय 6 कंपनी को $300 मिलियन दवापाई जो कथा रही ताहा एपर्यंत दे पारी नाही। क्रमागत भाव में बांग्लादेश रे फॉरेन रिजर्व फंड कमिबारे लागिची एवं अन्य कंपनी मानक आमदानी पाई डॉलर दबारे असमर्थ प्रकाश करिछि बांग्लादेश। एभली स्थिति रे सरकार को ही विरोध करबा एक वर्तमान रो ही सठिक पदक्षेप ए नै खालिदा जिया लगातार विरोध प्रदर्शन करबा आरंभ करछंती। तेणु मोटामोटी भाव में यही निर्वाचन जहाँ 2024 हम यहाँ निरपेक्ष करवा एवं सुस्थ निर्वाचन करने परिप्रेक्षी रे हठात अमेरिका एभली एक बीजा को नहीं नीति निष्पत्ति करवा बांग्लादेश शेख हसीना को चमकई देछि। एबे भारत संदर्भ को आसीबा भारत एवं अमेरिका एवं मिलित भाव में अनेक गुड़िए कार्य करुचंती। बांग्लादेश मध्य चाहूँगी कि भारत बांग्लादेश सपक्ष रे अमेरिका सह कथबार्ता करू। अमेरिका जो भाव में बांग्लादेश रे प्रभाव विस्तार करुच्ची यह नकरिबा मध्य भारत चेष्टा करू किंतु भारत करिबो जदि करिबो कोन। प्रथम कथा जदि आपण विगत इतिहास को देखिबे भारत जो जो मानकु सहाय्य करे बेल पड़िले ए समस्ते भारत विरुद्ध रे ही जांती। नेपाल देखा जाऊ भूटान देखा जाऊ श्रीलंका देखा जाऊ बांग्लादेश देखा जाऊ ए समस्त को भारत स्थल विशेष रे सहाय्य करी आसीची एवं जेतेबेले भी मौका मिले एमाने जाई चीन पाखरे हाजर हो जावा लगातार देखा जाए। तेणु एभली स्थिति रे भारत यही छोट छोट देश मानक अनेक बार सहाय्य करथिले मध्य एमाने बहुबार भारत को धोखा देबारे माहिर थांती। एभली स्थिति रे बांग्लादेश रो मध्य इतिहास सेमती किछि रहिछि किंतु वर्तमान रो सरकार सह भारत सरकार अनेक प्रकार रो संपर्क भल रहिछि। केवल तिस्ता वाटर मामला को छाड़देले अन्य अनेक गुड़िए समस्या धीरे धीरे बांग्लादेश और भारत मध्य समाधान दिग को गति कर किंतु अमेरिका एवं जो निज पटे वीजा को नहीं नीति निष्पत्ति तैयारी ए संदर्भ में भारत करिबो तो करिबो को तेणु देखा जाऊ आपको मामला केमिति जाउची एवं बांग्लादेशर शेख हसीना क्यों कूटनीति प्रयोग करी अमेरिका को एभली नीति निष्पत्ति करिवारु वंचित कराई परचंती ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकू जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833330 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com DTV ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाइ दियंतु।